कहते पूरे मैं डिस्कस नहीं कर सकता। सेकंड उसमें देखिए क्या दी है कि इस्लाम में जो है बालिग एक लड़की एक बालिग औरत की अपनी प्रॉपर्टी पैसा है तो खरीद सकती है, बेच सकती है, दान दे सकती है, ले सकती है, डिस्पोज जो चाहे अपनी मिल्कियत के साथ वो कर सकती है। उसको अपने शौहर से, हस्बैंड से, अपने फादर से, अपने भाई से, अपने किसी भी मेल से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसकी मालिक है तो वो उसकी जिम्मेदार है। अगर वो उसकी मालिक है और वो वयस्क है, वो अडल्ट है, वो बालिग है, वो जो चाहे उसके डिस्क्रिशन पे जैसे चाहे डिस्पोज कर सकती है, उसको कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहां पर कानून आपको पता है ब्रिटिशर्स ने 1870 में अपनी औरतों को दिया, कब दिया, 1870 के अंदर, और भारतवर्ष में इंडिया में ये कानून बस जस्ट पिछली सदी में दिए गए, जस्ट पिछली सदी में दिए गए कि औरत बगैर अपने बाप के या भाई के या शौहर के परमिशन ये काम कर सकती, वरना कंपलसरी था उसको। इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले कहा कि जो करना चाहो ये तुम्हारा मामला है। लेकिन जाहिर सी बात है गाइडलाइंस भी दी, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं, कहाँ लगाना है, वो एक अलग चीज़ है, उसका टाइम नहीं है। लेकिन ये सेंसेबल आदमी समझ रहा है कि विद गाइडलाइंस है प्रॉपर, ये नहीं कि उड़ा देने का मामला किया है, ठीक, विद प्रॉपर गाइडलाइंस उसको ये हक दिया है। अब हम देखते हैं जहाँ तक औरत के काम करने का मामला है।